हेलो एवरीवन, वेलकम करता हूँ आज की एक नए वीडियो में। आज की वीडियो हम देखने वाले हैं टाइम स्पेस एंड कॉम्प्लेटी जो है डेटा स्ट्रक्चर में क्या होती है। पार्ट वन हमने देख चुका है, उसके वीडियो की प्लेलिस्ट लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहाँ से उसे देख सकते हैं। जो CUT PG के MCA एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछेंगे वो यहीं से पूछेंगे। तो चलिए आज की टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होता क्या है। इट इज़ डिनोटेड यूजिंग FN, फंक्शन n करके इसको डिनोट किया जाता है, वेयर n इज़ इनपुट साइज फॉर गिवन इंस्टेंस ऑफ द प्रॉब्लम बीइंग सॉल्व। ठीक है, एल्गोरिथम एफिशिएंसी क्या होती है। इफ़ अ फंक्शन इज लीनियर विदाउट एनी लूप्स और रिकर्सन, बिना किसी लूप और रिकर्सन के एक लीनियर फंक्शन, इज द एफिशिएंसी ऑफ दैट एल्गोरिथम और द रनिंग टाइम ऑफ दैट एल्गोरिथम कैन बी गिव एज द नंबर ऑफ instructions it contains. Means if an algorithm contain a loop, then the efficiency of the algorithm may vary depending on the number of loops and running time of the loop in the algorithm. मतलब क्या है efficiency of algorithm की efficiency क्या होगी। Without any loop, यदि कोई loop नहीं दिया रहेगा, recursion नहीं है, यदि कोई loop दिया है तो वहाँ पर जो depend करेगा आपके number of loops पे और इसके लूप इन द एल्गोरिथम, रनिंग टाइम ऑफ लूप, कितने टाइम आपका लूप रन किया, इस पर डिपेंड करेगा हमारा एफिशिएंसी। चलिए आगे टॉपिक पे देखते हैं। लीनियर लूप, और लीनियर लूप कैसे कैलकुलेट करेंगे। जहाँ पर सिंगल लूप दिखेंगे, वी नीड टू फर्स्ट डिटरमाइन द नंबर टाइम्स ऑफ स्टेटमेंट इन द लूप एग्जीक्यूटेड। जब सिंगल लूप रहेगा और द नंबर ऑफ टाइम्स द स्टेटमेंट इन द लूप विल एग्जीक्यूटेड। यहाँ पर देखिए सिंगल लूप जो है लगा है, तो इसलिए यहाँ पर इसकी एफिशिएंसी होगी। एक जनरल फार्मूला होता है, फंक्शन n इक्वल टू n। ठीक है, आगे देखते हैं लॉगरिथमिक लूप में कैसे काम करेगा। जब हमारे यहाँ वी हैव सीन द लीनियर लूप, द लूप अपडेटिंग स्टेटमेंट आइदर एड और सब्ट्रैक्स, जहाँ पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन डिविडेशन और ऑपरेशंस होते हैं, वहाँ पर लॉगरिथमिक लूप्स होते हैं। जैसे यहाँ पर मिस्टेक हो गया, यहाँ पे एक लग रहा है i++ जो है, यहाँ पर 2+ भी लगा सकते हैं ऐसा करके, तो वहाँ पर हमारा log n होगा, फंक्शन का जो वैल्यू वो log n होगा। अगला टॉपिक है नेक्स्टेड लूप क्या होते हैं। लूप्स दैट कंटेन लूप्स आर नोन एज नेक्स्टेड लूप। लूप के अंदर लूप होता है तो वहाँ पर नेक्स्टेड लूप होता है। लीनियर लॉगरिथमिक लूप क्या होता है इसको देखते हैं। जब लीनियर लूप के अंदर लूप रहेगा तो हमारा लीनियर लॉगरिथमिक लूप होगा, जिसकी इसको आप पढ़ लीजिएगा, जिसकी वैल्यू होगी हमारी जो एफिशिएंसी होगी FN इक्वल टू n log n, इस तरह से नेक्स्टेड लूप लगेगा। ठीक है, और अगला टॉपिक है क्वाड्रेटिक लूप। यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक लूप में आप इसको पढ़ लीजिएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ एक्सप्लेन करके। यहाँ पर जो है आपका दो लूप रहेंगे, इनर लूप और आउटर लूप, लूप के जो हैं इक्वल नंबर ऑफ आइटरेशंस हो जाएंगे, तो वहाँ पर हमारा क्वाड्रेटिक लूप होगा, जिसका जो है इस देखिए यहाँ पर देखिए आइटरेशन इक्वल है ना, तो इसलिए यहाँ पर FN जो इसका होगा एफिशिएंसी n स्क्वायर होगी। ठीक है, अगला है डिपेंडेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन लूप। मतलब यहाँ पर देखिए इनडिपेंडेंट क्वाड्रेटिक लूप द नंबर ऑफ आइटरेशन इनर लूप, इनर लूप का नंबर ऑफ आइटरेशन इज डिपेंडेंट ऑन आउटर लूप पर डिपेंड करेगा। यहाँ पर देख लीजिए i < 10 है, तो यहाँ पर देखिए ये i बार चलेगा, जितनी बार ये लूप चलेगा उतनी बार ये चलेगा, अगर इसको 11 कर दें, ये इस पर डिपेंडेंट है। ठीक है, इसका जो एफिशियंसी होता है FN = n(n+1)/2। ठीक है, इस तरह से इसको कैलकुलेट करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए नंबर 1 से 10 जोड़ेंगे तो 55 आएगा। डायरेक्ट फार्मूले में रखेंगे 10 × 10+1 11 हो जाएगा, अपान 2 है, 2 से 10 को काट देंगे 5 हो जाएगा, ए 11 × 5 = 55। ठीक है, बिग ओ नोटेशन क्या होता है। द बिग ओ नोटेशन वेयर ओ स्टैंड फॉर ऑर्डर ऑफ is considered we happens of every large values of n. For example देख लेते हैं, next topic हम देखेंगे sparse matrix और इससे related MCQs questions
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और जो प्लेलिस्ट प्रीवियस वीडियोज़ की प्लेलिस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में, जो कि प्लेलिस्ट है CUET PG NCA एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड MCQ क्वेश्चन, ये प्लेलिस्ट लिंक नेम है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर और वीडियोज़ को देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।